गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले एनसीसी लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, जहां पर स्टॉक के ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली है। ये स्टॉक आज के दिन 8 रुपए 35 पैसे की तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है, और ये स्टॉक ऑलमोस्ट 7.5% की रैली देखने को मिली है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं किस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं, और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स पर ध्यान दें तो इस स्टॉक में पीछे की एक सप्ताह में 2% की तेजी देखने को मिली है। एक महीने में इस स्टॉक में 1% के करीबन की गिरावट देखने को मिल रही है, परंतु 3 महीने में 30%, 6 महीने में 44% और 1 साल के अंदर 91% से भी ऊपर के पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। लगातार देखिए तो इस स्टॉक में पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा, जहां पर 1 महीने से देखें तो इस स्टॉक में ऊपरी लेवल पर स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहेगा, जहां पर स्टॉक के ऊपर के प्राइस पर स्टॉक में एक मुनाफा वसूली देखने को मिली है। स्टॉक का एक हाई बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है 125 रुपीज। ऊपरी लेवल पर इस स्टॉक में एक मुनाफा वसूली देखने को मिली है। स्टॉक का नीचे के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है अराउंड 100 रुपीज। 100 रुपीज से इस स्टॉक में एक डबल मोमेंटम देखने को मिलेगा, जहां पर पीछे के 2 दिनों से स्टॉक में बड़ी खरीदारी देखने को मिल रही है। तो अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो अराउंड 109 रुपीज, 109 रुपीज इस स्टॉक के आज के दिन का एक ओपनिंग प्राइस है। यहां पर आप इस स्टॉक का एक स्टॉप लॉस ट्रेड करके चल सकते हैं। ऊपर के लॉन्ग टर्म टारगेट 150 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। इस स्टॉक में फ्रेश ब्रेकआउट 124 रुपीज, 124 रुपीज के बाद इस स्टॉक में एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, जहां पर स्टॉक में एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।